नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। पेश है आज का न्यूज बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ कविता सिंह। आइए नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। हिमाचल को एक और झटका, ऊना का बुजुर्ग निकला कोरोना का मरीज। कोरोना के दो केस सामने आने के बाद हमीरपुर सील, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात, 75,000 लोगों की होगी स्क्रीनिंग। पुलिस जवानों से उलझा कोरोना पीड़ित, सिंहता चौकी और हटली बैरियर के सभी कर्मचारी क्वारंटाइन। कर्फ्यू तोड़ने पर जमकर बरसा पुलिस का डंडा, एक ही दिन में 68 लोग गिरफ्तार। 3 साल पूरा करने वाले कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी पक्के, जयराम कैबिनेट ने पीटीए टीचर्स पर भी की चर्चा। भारत चीन सीमा पर गश्त पर निकला सेना का जवान गायब, सर्च ऑपरेशन तेज। और केलांग और कुल्लू के कोठी में बर्फबारी, प्रदेश के कई क्षेत्रों में झमाझम बारिश, लुढ़का तापमान। अरब समाचार विस्तार से। हिमाचल को कोरोना का एक और झटका लगा है। शनिवार को ऊना में एक और पॉजिटिव मामला सामने आने से प्रदेश भर में हड़कंप मच गया। हॉटस्पॉट बन चुके ऊना में कोरोना पॉजिटिव का यह 16वां मामला है। बताया जा रहा है कि ऊना से जांच के लिए टांडा मेडिकल कॉलेज भेजे गए सैंपल की दोपहर तक आई रिपोर्ट में एक रोगी के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। कोरोना पीड़ित यह मरीज अम्ब उपमंडल के राजपुर जसवा पंचायत के जमन क्वाली गांव का 60 साल का बुजुर्ग है। बुजुर्ग को इलाज के लिए कोविड अस्पताल भोटा भेजा जा रहा है। कोरोना का केस सामने आते ही जिला प्रशासन ने राजपुर जसवा ग्राम पंचायत में पूरी तरह से कर्फ्यू लगा दिया है और साथ ही साथ सुबह 7 से 10 बजे तक दी जा रही ढील को भी निरस्त कर दिया है। अब जनहित के लिए यह संदेश। आपकी जानकारी ही कोरोना वायरस का बचाव है। कोविड-19 वायरस से संक्रमित देशों से आने वाले यात्रियों एवं उनके संपर्क में आने वालों को कोरोना वायरस की संभावना हो सकती है। यदि आपने, आपके परिवार या पड़ोस में किसी भी व्यक्ति ने कोविड-19 वायरस से संक्रमित देशों में यात्रा की हो तो 14 दिन तक घर से बाहर न निकलें और तुरंत टोल फ्री नंबर 104 पर सूचित करें। कोरोना वायरस के लक्षण खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ है, घबराए नहीं, बस कुछ बातों का ध्यान रखें। नियमित रूप से साबुन और पानी या अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर से हाथ साफ करें। खांसते या छींकते समय नाक और मुंह कोहनी से ढकें अथवा रुमाल और टिश्यू से ढकें। जिस व्यक्ति में खांसी, जुखाम या बुखार के लक्षण हो उसे दूरी बनाएं और भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचें। मांस और अंडे को अच्छी तरह से पकाकर खाएं, खुले में न थूकें। लक्षण पाए जाने पर लापरवाही न बरतें और किसी भी जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। एक साथ कोरोना के दो केस सामने आने पर प्रशासन ने हमीरपुर जिला को पूरी तरह से सील कर दिया है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात कर दिए हैं। लॉकडाउन के दौरान दी जा रही 3 घंटे की ढील भी रद्द कर दी है। दूध, दही, ब्रेड और सब्जियों की सप्लाई लेकर आने वाली गाड़ियों की एंट्री भी बंद कर दी है। इसके साथ ही साथ प्रशासन ने अब 16,000 परिवारों के 75,000 सदस्यों की स्क्रीनिंग करवाने का फैसला लिया है। बता दें कि हमीरपुर शहर की महिला और नादौन उपमंडल के पुरुष का सैंपल पॉजिटिव आने के बाद इन दोनों को इलाज के लिए भोटा भेज दिया गया है। नगर परिषद हमीरपुर के समस्त क्षेत्र और आसपास के 3 किलोमीटर के दायरे में आने वाली पंचायतों को कंटेनमेंट एरिया घोषित कर दिया है। इसी तरह जोल सप्पड़ में भी आसपास की पंचायतों को बफर जोन में रखकर सिक्योरिटी टाइट कर दी है। कोरोना पीड़ित मरीज के संपर्क में आने पर हिमाचल पुलिस ने सिंहता पुलिस चौकी और हटली बैरियर पर तैनात तमाम जवानों को एहतियाती तौर पर क्वारंटाइन कर लिया है। इनके स्थान पर तुरंत प्रभाव से दूसरे मुलाजिम तैनात कर दिए गए हैं। यह बात हिमाचल प्रदेश पुलिस महानिदेशक सीताराम मरड़ी ने शनिवार को राजधानी शिमला में कही। डीजीपी ने कहा कि चंबा के थुलेल में सामने आया कोरोना पॉजिटिव युवक हटली पुलिस बैरियर पर तैनात जवानों से उलझा था। उसने पुलिस से अभद्र व्यवहार किया था और इसमें उसके 2 और साथी भी शामिल थे। इसके बाद पुलिस इन सभी को सिहुता चौकी ले आई थी, जहां इनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। अब आरोपी युवक के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर पुलिस ने चौकी में तैनात 11 जवानों और बैरियर पर ड्यूटी दे रहे 13 जवानों सहित 5 होमगार्ड जवानों को क्वारंटाइन पर भेज दिया है। और जो व्यक्ति तलेल में पॉजिटिव पाया गया, ये पहले जो हटली बैरियर में पुलिस के साथ उलझते रहे, दो साथी और थे, ये डेरा बस्सी से पंजाब से आए थे और पुलिस के साथ बदतमीजी की और इनको सिहुता पुलिस चौकी ले जाके वहाँ पे
एफआईआर दर्ज की और अब हमें शिमोता चौकी और जो हटली बैरियर के तमाम स्टाफ को क्वारंटाइन में भेजना पड़ा और नया स्टाफ लगाना पड़ा। और मेरा अनुरोध है, इस तरह पुलिस को गाली गलौज करना, अभद्र व्यवहार करना और पुलिस को चकमा देख के अपने घर पहुंचना और अपने आप को हीरो समझना और ये समाज के लिए घातक साबित हो सकता है। हिमाचल में कोरोना के कर्फ्यू का मजाक उड़ाने वालों पर खाकी का डंडा जमकर चला है। प्रदेश भर में पुलिस ने कर्फ्यू तोड़ने पर एक ही दिन में 62 एफआईआर दर्ज कर 68 लोगों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे धकेल दिया है। इनमें सबसे ज्यादा 16 मामले कांगड़ा के हैं। वहीं चंबा में पुलिस ने 10, मंडी में 6, बिलासपुर में 5, कुल्लू, शिमला और सिरमौर में 4-4 एफआईआर दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि हिमाचल पुलिस अब तक 1003 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और इन्हें जुर्माना भी ठोका गया है। हिमाचल सरकार ने 31 मार्च 2020 तक 3 साल पूरा कर चुके सभी अनुबंध कर्मचारियों को नियमित करने का फैसला लिया है। इसके अलावा दैनिक वेतन भोगियों को भी रेगुलर करने की मंजूरी दे दी गई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग में 13 पद भरने के लिए भी कैबिनेट में फैसला लिया गया। शनिवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग के दौरान ये फैसले लिए गए हैं। बैठक के दौरान पीटीए, पैट और पैरा टीचर्स पर भी खूब मंथन हुआ है। कैबिनेट ने इस शिक्षक वर्ग पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सराहना की है। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए हिमाचल प्रदेश के सभी सरकारी मुलाजिमों के एक दिन की सैलरी कटेगी। इसके लिए प्रदेश सरकार ने शनिवार को आदेश जारी कर दिए। वित्त महकमे के ट्रेजरी, अकाउंट्स एंड लॉटरीज विंग ने सभी विभागों, बोर्डों और निगमों को सूचित कर दिया है कि कोविड रिलीफ फंड के तहत 2.5 लाख मुलाजिमों का एक दिन का वेतन कटेगा। आदेशों में ये भी साफ किया गया है कि यह राशि बेसिक पे और ग्रेड पे से ही कटेगी। भारत चीन सीमा पर तैनात सेना का एक जवान गायब हो गया। बताया जा रहा है कि किन्नौर के टाशीगंग और सोमचंग इलाके में गश्त के दौरान वापस लौटते वक्त 10 जवानों की टुकड़ी में से 2 फौजी रास्ता भटक गए और खाब स्थित बेस कैंप नहीं पहुंच पाए। जवानों के गायब होने की सूचना मिलते ही हरकत में आई सेना ने सर्च ऑपरेशन छेड़ दिया। सर्च पार्टी को एक जवान घायल हालत में मिला और उसने बताया कि दागा दोडर में सतलुज पार करते वक्त वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया और उसका दूसरा साथी पानी के तेज बहाव में बह गया। पुलिस अधीक्षक एसआर राणा ने खबर की पुष्टि कर बताया कि गोताखोरों की मदद से भी सतलुज नदी का चप्पा चप्पा खंगाला जा रहा है। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और दिग्गज नेता सतपाल सत्ती पर शनिवार को मधुमक्खियों ने हमला कर घायल कर दिया। घटना सुबह उस वक्त पेश आई जब भाजपा नेता अपने घर जलग्रां टब्बा में आराम कर रहे थे कि इसी बीच मधुमक्खियों ने अचानक उन पर धावा बोल दिया। एकाएक हमले से सतपाल सत्ती ने शोर मचाया और परिजन व आसपास के लोग वहां पहुंचे और उन्हें क्षेत्रीय अस्पताल ऊना पहुंचाया। इलाज के बाद सत्ती की हालत सुधरने के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई है। मंडी जिला के पद्दर उपमंडल में पुलिस ने अफीम की अवैध खेती करने वालों पर शिकंजा कस दिया है। लॉकडाउन और कर्फ्यू के बीच चौहार घाटी की 2 पंचायतों में नशे की खेती के 6 मामले सामने आए हैं। शनिवार को कुटार गांव में पुलिस टीम ने छापा मारा और अवैध खेती करने वाले 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। इस दौरान अवैध रूप से बीजे गए 5,000 से ज्यादा अफीम के पौधे पाए गए। इससे पहले पुलिस ने चमाह, सुराहन, टिप, कथोग, रोपा, छुछल व बनबाग में 12,585 अवैध पौधे पकड़े थे। उधर पद्दर थाना प्रभारी यशवंत सिंह ने बताया कि नशे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। नशे की खेती करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं डीएसपी पद्दर मदन कांत शर्मा ने अभियान और तेज करने के निर्देश दिए हैं। कुठार गांव में कुल 5,570 अफीम के पौधे को पकड़ा है, जिसमें एसआईयू की टीम और पुलिस कमान पुलिस इकट्ठे ज्वाइंट ऑपरेशन में यह कार्य किया गया है। जहां पर काफ़ी दिनों से शिकायत आ रही थी, यह बहुत दूर का रिमोट एरिया है जहां पर सड़क की सुविधा भी नहीं है, तो इसी तरह से यह अभियान पुलिस द्वारा छेड़ा गया है, जिसका अभी हम जारी रखेंगे और आइंदा भी हम इस तरह से कार्रवाई करते रहेंगे। और सभी से मेरा निवेदन है कि वे अपने अपने जो फसल उन्होंने नशे के बारे में उगाई है उसको उखाड़ दें। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने फिर से उग्र रूप धारण कर दिया है। आज केलांग व कोठी में ताजा हिमपात होने के साथ राज्यों के अन्य क्षेत्रों में झमाझम बारिश हुई। इससे पहाड़ों पर फिर से ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। मौसम विभाग की माने तो शिमला, कुल्लू, सोलन, मंडी, सिरमौर, चंबा और डलहौजी में अगले 2 दिनों के दौरान भारी बारिश व ओलावृष्टि होगी। इसके लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है।
राज्य में 24 अप्रैल तक मौसम खराब बना रहेगा। इस दौरान कुछ स्थानों पर गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं मौसम में आई करवट ने किसानों व बागवानों को चिंता में डाल दिया है। गेहूं फसल तैयार है और सेब के पौधों में फ्लावरिंग का क्रम चला हुआ है। ऐसे में बारिश को फसलों के लिए घातक माना जा रहा है। दिव्य हिमाचल टीवी प्रेजेंट्स फुलमूर रांझू, हिमाचल की पहली पहाड़ी फिल्म चंबा की बहुचर्चित सच्ची अमर प्रेम कहानी पर आधारित। मैं तेरी कायदी गड्डिया चुकाना आया था। आहा, ग्लाद आता ही आया जी, मेरी गड्डी चुकी के करे छड़ी आऊंगा। तेरे रंग च रंगोया जालमा, तेरे रंग च रंगोया जालमा। लगातार 6 भागों में 20 अप्रैल से रोजाना सुबह 10:30 बजे आपके अपने दिव्य हिमाचल टीवी के फेसबुक और यूट्यूब चैनल्स पर। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें दिव्य हिमाचल अखबार और देखते रहें दिव्य हिमाचल टीवी। और अब चलते चलते कर्फ्यू का पास ना मिलने पर बारात लेकर होशियारपुर जा रहा ऊना का दूल्हा रोका, पुलिस ने बैरंग भेजा घर। शिमला के नेरवा में पुलिस की बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक, शराब के जखीरे के साथ पकड़ी चरस की खेप। हिमाचल पुलिस को मिलेंगी 1000 पीपीई किट, जवानों को कोरोना का कहर रोकने में होंगी कारगर। और हमीरपुर से ड्यूटी के लिए सचिवालय पहुंचे 3 कर्मचारी भेजे घर, कोरोना के केस सामने आने पर उठाया कदम। हिमाचली तड़का में आइए देखते हैं रामेश्वर शर्मा की ये शिमला नाटी। सारी छोरी है सब खजलो लकड़ी दे नौकरी मु करे सब रो छोरी सारी छोरी है करे सब रो देखते रहिए दिव्य हिमाचल और देखते रहिए दिव्य हिमाचल वेब टीवी। शुभ रात्रि, कल सुबह फिर मिलेंगे गुड मॉर्निंग हिमाचल में।